हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं वेट फॉर इट फ्लोटिंग पूल। तो इस बार सुपर हीरो वर्ल्ड से कई गुड न्यूज आई हैं, जैसे कि स्ट्राइक्स हो गई हैं खत्म एंड राइटर्स आर नाउ एम्प्लॉयड। मार्वल के कॉन्सेप्ट आर्ट्स को देख के मैं हो गया हूँ ओवरजॉयड। लेकिन क्या मार्वल के एक्टर्स सच में लेते हैं स्टेरॉइड्स? इस वीडियो में ऐसी ही खबरों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो अगर आप एक रियल सुपर हीरो फैन हो तो आपको अपना काम पता ही है, वीडियो को एंड तक देखना है और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर देना है ताकि आप आने वाली कोई अपडेट मिस ना कर दें। सो बिना किसी देरी के हियर इट गोज। सबसे पहले बात करते हैं हॉलीवुड में चल रही राइटर स्ट्राइक्स की। तो ये खत्म हो चुकी हैं, जो कि हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफी राहत की खबर है। स्टूडियोज ने एक प्रोविजनल एग्रीमेंट स्क्रिप्ट राइटर्स के सामने रखा था जिस पर वो एग्री हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि 99% राइटर्स स्ट्राइक खत्म हो गई है। बट एक्टर्स भी स्ट्राइक पे बैठे हैं और उनकी स्ट्राइक अभी भी चल रही है। तो खैर, रिपोर्ट्स में सामने ये आया है कि स्टूडियोज ने राइटर्स के सामने एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट रखा था जिसमें स्क्रिप्ट राइटर्स की काफ़ी मांगे अप्रूव की गई हैं। इस एग्रीमेंट को अभी पब्लिक तो नहीं किया गया, पर थोड़ा टाइम लगेगा इसे जानने में कि ऐसी कौन सी डिमांड्स थी जिन्हें स्टूडियोज को पूरा करने में इतना टाइम लग गया। तो खैर, इट इज़ ए गुड न्यूज़। अभी राइटर्स आने वाली मूवीज और सीरीज को लिख सकते हैं, जिसका मतलब अब आने वाले साल इतने भी बुरे नहीं निकलेंगे। बट अभी भी एक्टर्स बाकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राइटर्स के साथ हुआ ये एग्रीमेंट नेगोशिएशन के लिए एक बड़ा स्टेप है। क्योंकि राइटर्स को ये एग्रीमेंट पसंद आ गया है तो स्टूडियोज के पास एक चांस है कि वो एक्टर्स के सामने भी ऐसा ही एक एग्रीमेंट रखें जिसमें उनकी ज़रूरतों पर भी ध्यान दिया जाए, तो डेफिनेटली एक्टर्स स्ट्राइक भी ख़त्म हो जाएगी। मे बी इस साल के एंड तक ये ख़त्म हो ही जाए, जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से कंटिन्यू हो सकते हैं और डेडपूल 3 जैसी मूवीज़ की शूटिंग पूरी करके इन्हें अगले साल के सेकेंड हाफ में रिलीज़ किया जा सकता है। सो डेडपूल 3 से ही आगे बढ़ते हैं, तो र्यूमर्स और रिपोर्ट्स को साइड करते हुए इस बार इस मूवी के डायरेक्टर ने ही ये कन्फर्म किया है कि फॉक्स के यूनिवर्स से एक्समैन इस मूवी में अपीयर होंगे, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में एक्समैन के ओल्ड वर्जन से लेकर न्यू वर्जन के कैमियो हो सकते हैं, जिसके साथ वैन अफ्लेक का डेयर डेविल और इसी यूनिवर्स की इलेक्ट्रा एंड फैंटास्टिक 4 भी इस मूवी में अपीयर हो सकते हैं। सो मैनी ग्रेट थिंग्स आर कमिंग, जिससे आने वाला साल उतना भी बुरा नहीं जाएगा जितना सोचा था। आगे बात करें तो स्पाइडरमैन नो वे होम से कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं, जिनमें सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट आर्ट की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि पीटर 3 विलेंस डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गोब्लिन और इलेक्ट्रो को पकड़ के वल्चर से हेल्प मांगने के लिए उसके दरवाजे पे खड़ा है। अच्छा हुआ ये सीन मूवी में नहीं था, क्योंकि पहले तो इतने स्ट्रॉन्ग विलेंस को पीटर ने एक साथ अपने जाल में कैसे फंसा लिया, और दूसरा ये वल्चर के पास हेल्प लेने के लिए क्यों गया है। मेरे ख्याल में शायद इस मूवी में वल्चर को ऐड करके पूरी सिनिस्टर 6 टीम बनाने की कोशिश की जा रही थी, बट आई थिंक मूवी जैसी थी वैसी ही अच्छी थी, ये सीन ज़्यादा सेंस नहीं बना पाता। अगले कॉन्सेप्ट आर्ट को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि MJ ग्रीन गोब्लिन को सीरम देने की कोशिश कर रही है। सो अगर ये सीन मूवी में होता तो आई थिंक इसे लास्ट में दिखाया जाता, जब पीटर बैडली इंजर्ड होकर गोब्लिन से फाइट कर रहा होता और MJ गोब्लिन के ग्लाइडर के ऊपर से ही उसे इंजेक्ट करने की कोशिश करती, और क्या पता यहाँ ये भी मारी जाती। सो इसका मतलब एक बार फिर पीटर के सपनों के साथ उसका दिल भी टूट जाता। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाथ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। कॉन्सेप्ट आर्ट्स पे ही बात करें तो पिछले दिनों मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से वोंडा के कुछ अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट्स रिवील किए गए थे, जो कि काफी डेंजरस बट काइंड ऑफ सेक्सी भी लग रहे हैं। I mean, she can pull off any look, so why not? What is he doing? He's beginning to believe. But I think ये look Disney के संस्कारों से काफी dark हो जाता। खैर, कुछ insiders ने इन arts पे दो बेहद interesting details share की हैं। पहला तो ये कि actually Wanda Scarlet Witch form में अपना appearance change नहीं करती, बल्कि जिसकी भी आँखों में देखती है, उसके सामने Wanda का ये रूप बन जाता है। आई थिंक यही रीज़न है कि जब चार्ल्स एग्जेवियर उसके माइंड में घुसता है तो उसे वोंडा ऐसी दिखाई देती है, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नज़रों में ऐसा ही देखती है। दूसरी डिटेल ये है कि मार्वल ने इन कॉन्सेप्ट आर्ट्स को ऐसे फेंक नहीं दिया है,
बल्कि इनका इस्तेमाल वो लिलिथ के करेक्टर को बनाने के लिए करेंगे। तो इस करेक्टर के बारे में मार्वल कॉमिक्स में ज्यादा नहीं बताया गया। कोई कहता है कि ये सेटन की वाइफ है और हेवन के साथ फाइट के बाद इसे हेल में भेज दिया गया था। कोई कहता है कि ये अर्थ पे ईव की जगह एडम के साथ आने वाली पहली औरत है, और कोई कहता है कि ये मफिस्टो की लवर थी और इससे बोर होके उसने इसे अर्थ पे भेज दिया था। लिलिथ शायद अपकमिंग ब्लेड मूवी की मेन एंटेगनिस्ट होगी और इसका रोल मिया गोथ प्ले कर रही हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आगे बात करें वन पीस के लाइव एक्शन अडेप्टेशन की, तो रिपोर्ट्स ये हैं कि ये काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है और इसे लगभग नेटफ्लिक्स पे 50 मिलियन अकाउंट्स से देखा गया है, जो कि नेटफ्लिक्स के टोटल 25% अकाउंट्स हैं। सो दिस इज डेफिनेटली ए विन फॉर ए लाइव एक्शन एनिमे अडेप्टेशन। आगे एक बेहद ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है। डायरेक्टर ऑफ द डिवीजन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फिजिकल थेरेपी ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ से। ओह माय गॉड, व्हाई देयर आर सो लॉन्ग टाइटल्स फॉर दीज टाइप ऑफ जॉब्स। तो खैर, उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, उन्हें लगता है कि 50-65% मार्वल एक्टर्स अपनी बॉडी के लिए स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। बट उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ये स्टेरॉइड्स उन स्टेरॉइड्स से डिफरेंट हैं जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, क्योंकि ये एक्टर्स शायद एंड्रोजेंस यूज करते हैं, जो कि हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन की ग्रोथ को बढ़ाता है, पर इससे कोई भारी नुकसान नहीं होता और ना ही इसका एडिक्शन होता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कैसे कुछ एक्टर्स इतनी जल्दी बॉडी बना लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। तो हम सब ने स्क्विड गेम को देखने के बाद ये पक्का इमेजिन किया होगा कि अगर हम इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते तो क्या होता। सो वेल, नेटफ्लिक्स ने इस शो से इंस्पायर्ड होकर एक रियलिटी गेम शो बनाया है जिसमें लगभग 100 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बट ऑफ कोर्स हारने पर उन्हें मारा नहीं जाएगा और इसे जीतने वाले को काफ़ी बड़ा प्राइज दिया जाएगा। ये शो 22 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा और सक्सेसफुल रहा तो मे बी नेटफ्लिक्स के और कंट्रीज में भी इसके अलग अलग वर्जन्स बनाएगा। बिकॉज सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और मैं ऐसे ही मूवी सीरीज और सुपर हीरो अपडेट्स पे अपने चैनल पर वीडियोस डालता रहता हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स, लव यू।